क्या मास्टरबेशन से शीघ्रपतन की आदत लगती है? और इसके बारे में काफी लोग सवाल करते, उसके बारे में बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में अकोला में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैंने कई बार मेरे वीडियोज में कहा है कि मास्टरबेशन कुछ गलत नहीं है, मास्टरबेशन ये एकदम नॉर्मल प्रक्रिया है, मास्टरबेशन में कितना भी वीर्य गया तो भी कुछ होता नहीं है। एट द सेम टाइम मैंने ये भी कहा है कि मास्टरबेशन की यदि लत लग गई है, आदत लग गई है तो बुरा है। और दूसरा और एक है, मास्टरबेशन बुरा क्यों है? मास्टरबेशन बुरा क्यों है? क्योंकि उससे शीघ्र पतन की आदत लग सकती है। और वो कैसे लग सकती है बताता हूँ। क्या होता है कि लोग मास्टरबेशन करते, मतलब हस्तमैथुन या हैंड प्रैक्टिस करते हैं, और वो बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मतलब उनको समय नहीं रहता है, स्पेशल बेडरूम नहीं रहती है, अलग सोने की जगह नहीं है, फिर वो स्नान करने के समय बाथरूम में जाएंगे, लैट्रिन में जाएंगे, वहाँ फटाफट जल्दी जल्दी कर लेंगे। या कुछ लोग घर में इतनी भी व्यवस्था नहीं है तो ऑफिस में जाते हैं, तो ऑफिस में टॉयलेट ये अच्छे हैं तो वहाँ जाके हस्तमैथुन कर लेते हैं। तो हस्तमैथुन उनका हर बार बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। उनको एक ही इंटेंशन रहता है कि जल्दी से जल्दी हिलाओ, जल्दी जल्दी फ्रिक्शन करो, जल्दी जल्दी वीर्य बाहर निकालो और शांति कर लो मन की, क्योंकि उनको अच्छा लगता है। अब इसमें वो होता क्या है, इसमें एक मेंटल कंडीशनिंग हो जाती है, और मेंटल कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है कि लिंग को हाथ लगाया, फ्रिक्शन किया तो जल्दी फेंक देना, हाथ लगाया फ्रिक्शन किया तो जल्दी, मेंटल कंडीशन एक हो जाती है, एक आदत लग जाती है। और ये आदत ही प्रॉब्लमेटिक है। ये आदत यदि शादी के बाद में वही आपने देखा होगा कि जिनको ऐसी आदत लगी हुई कि जल्दी हस्तमैथुन में फटाफट वीर्य फेंक देना, तो उनको शादी के बाद में भी प्री मैच्योर इजैक्युलेशन होते रहता है, क्योंकि उनका कंडीशनिंग वैसा हुआ रहता है। इसलिए मास्टरबेशन भी करना है तो भी आराम आराम से करो, शांति से करो, रिलैक्सेशन में करो। और मास्टरबेशन को भी आपको उतना ही टाइम लगना चाहिए जितना सेक्स के लिए लगता है। और सेक्स के लिए कितना टाइम लगता है? सेक्स के लिए यदि आप फोर प्ले से लेकर आफ्टर प्ले तक करते हो पूरा, तो आधा घंटा लगेगा कम से कम। वे आधे घंटे में इंटरकोर्स जो है वो 5 से 7 मिनट होगा, फोर प्ले होगा, आफ्टर प्ले होगा। तो ऐसा जैसा आराम से सेक्स करते हो, वैसा आराम से मास्टरबेशन किया और उसमें भी आराम से इजैक्युलेशन किया, तो मास्टरबेशन कुछ भी गलत नहीं है। अदरवाइज मास्टरबेशन जल्दी जल्दी करेंगे तो शीघ्र पतन की आदत लग जाएंगी, जो शादी के बाद में प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। जो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।